जिस घर जमाई की गरीबी का मजाक पूरा ससुराल उड़ाता था, क्यों उसी जमाई के पैरों पर गिर पड़े सभी जब उसकी हकीकत सामने आई। सिर्फ कुछ मिनटों में सुनिए ये जबरदस्त कहानी। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। गिल फैमिली का घर जमाई बना अहान नौकरों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अहान एक गरीब था, लेकिन अपनी बीवी शनाया से प्यार करने के मामले में किसी भी रईस से कम नहीं था। अहान को सिर्फ इस घर के नौकर ही नहीं, बल्कि सासू माँ, साला, साली और यहाँ तक कि उसकी बीवी शनाया भी मजाक उड़ाती रहती थी। लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। उड़ा लो मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। शायद अहान ये सोचता था कि कहीं उसकी बीवी शनाया को अहान की हकीकत का पता चल जाएगा तो वो वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। वैसे अहान की बेइज्जती सिर्फ उसकी सास या साली ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी शनाया भी करती थी। वो अहान को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन शनाया अपने कमरे में बैठ फोन चला रही थी कि उसकी नजर मर्सिडीज में घूम रही उसकी कजिन पर पड़ी और वो कहने लगी, यार इनके मजे हैं, काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जूरियस कार में घूमने का मौका मिलता। शनाया इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर ऑफिस के लिए जा रहे अहान पर पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगती है, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, न जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले अहान से कर दी, और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन अपने पापा की बातों में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दिया। ये सुनकर अहान को बहुत बुरा लगा और वो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोचता रहा और फिर तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो, मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। अहान ऑफिस की जगह कार के शोरूम पहुंच जाता है। मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार बेंज दिखाओ। क्या भाई मजाक कर रहे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम साइकिल भी इंस्टॉलमेंट पर लोगे। पता भी है कैसी दिखती है बेंज। ये लो मेरा कार्ड और वो कार तुरंत इस पते पर भेज दो। इतना सुनकर उस सेल्समैन के हाव भाव बदलने लगे और वो अहान को नजर उठाकर पूरी तरह से एक बार देखता है, और जैसे उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूरी तरह पसीने में भीग गया और कांपती आवाज में कहने लगा, अहान सर, सर आप यहाँ? तो आखिर पहचान ही गए तुम मुझे। हाँ मैं ही हूँ अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। और इतना कहकर अहान वहाँ से चला जाता है। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? खैर इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको। कार के शोरूम से अहान जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही अहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे आप? नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है, साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप प्लीज मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ। तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और एक घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी अहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप एक घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुँच जाइए,
बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूरकर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर अहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर वापस घर आ गया। लेकिन यहाँ तो अहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रम्मी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में यामिनी की सहेली ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है, मेरी मजबूरी है यामिनी। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने अहान को पुकारा। अहान ने जैसे ही यामिनी की आवाज़ सुनी वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई न कोई नया बवाल होने वाला है। अरे सुनो अहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा, और हाँ थोड़ा जल्दी आना, इन्हें निकलना है, समझ गए ना। यामिनी, ये काम दामाद से कह रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा मत मानना। हाँ, इतना सुनते ही यामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया और उनकी बात बीच में काट कर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के भी पास कोई भी काम हो तो बता देना, दामाद है तो क्या हुआ, अब टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो क्या करेगा, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी अहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। अहान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ, जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी, वो दामाद हो तो थोड़ी इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहीं का, पता नहीं शिनाया भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो उसे ऐसा निठल्ला पति मिला है। यामिनी जी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना, और देखना अच्छी दुकान पर जाना, बहुत महंगी है ये सैंडल, समझ गए ना। इतना कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा, न चाहते हुए भी अहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। अहान सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा मैं। इतना कहकर अहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं, कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था, एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए अहान मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया शनाया, मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद होगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है, मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज का वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर अहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकाल कर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए अहान ने कहा, ओह, दो ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूँ, शनाया खुश हो जाएगी। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटी एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुनी लेंगे आपसे। इतना कहकर अहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था।
जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहाँ पहुँचते ही अहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से अहान टकरा गया, जिससे अहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी शनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो अहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा, जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस अहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी अहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। कोई नहीं शनाया, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। मन ही मन वो सोचते हुए शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। शनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई वो बात गई। आहन के इतना कहते ही शनाया का गुस्सा भड़क गया। वो चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है आपने मेरी जिंदगी। अहान को एकदम से झटका सा लगा। वो शनाया से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसीलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। शनाया की आंखों में आंसू थे। वो अहान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। अहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो, शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से ही शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। अहान ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब अहान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए अहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत है, मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। अहान भी वहां से अपनी खटारा बाइक पर शहर की सड़कें नापने निकल गया। रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही अहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है? और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? अहान का एक तो आज बर्थडे था, ऊपर से आज उसे सारे दिन उसके ससुराल में बेइज्जत किया जा रहा था। उसने थोड़ी सी पी रखी थी। यामिनी जी का सवाल सुनकर अहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी वो मैं शनाया को लेने चला गया था, उसका फोन फोन दो से, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इतना सुनते ही अहान का सारा नशा गायब हो गया। वो चौंक कर अपनी सास यामिनी जी से बोला, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ चली गई थी। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुम ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? और मुझे एक घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया।
अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए अहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के कमरे से उसे शनाया की आवाज सुनाई दी। अहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अहान को वहाँ देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर अहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूँ, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इससे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था, अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। सुबह अहान जल्दी ही उठ गया और अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को अहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? अहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि अहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा अहान पर ही बरस रही थी। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? शनाया, आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई थी जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब अहान वहाँ आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत हो जाएगी। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। शनाया के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, शनाया, हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी के फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। अहान दौड़ कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शनाया, किसका फोन था? अहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिससे शनाया ने पढ़ा था। दादाजी ने कहा है कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर अहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंडओवर कर दिया है, वो ही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती हो। मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूँगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर अहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था।
जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर कराना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले, और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। अहान और शनाया अब म्यूनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुँच चुके थे जहाँ से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहाँ से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, अप्रूवल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी। जब शनाया वहाँ पहुँची, शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। अहान और शनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, यही तो काम करती हूँ मैं। और ये जिस सक्सेना की तुम बात कर रही हो, ये मेरे पति है शनाया। जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, हाँ तो करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। कामिनी जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मैं ना समझ थी, प्लीज उस बात को भूल जाओ। और मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कामिनी वो मेरी ना समझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और अहान भी उनकी बातें सुन रहा था। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। मतलब? कामिनी ने एक नज़र अहान की तरफ देख कर कहा, ये तुम्हारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी तुम गलती कर रही हो। अभी मैंने कुछ बोला ही कहाँ है शनाया, ठीक है अब सुनो। अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने मुझसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में कामिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, शायद काम नहीं हुआ, सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा, और तो और आनंद दादू की नजरों में अब तुम किसी काम की ही नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ, अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया, वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि अहान उसके साथ वापस नहीं आया है। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था, और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर अहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था, और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर कामिनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें, हाँ खैर मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहाँ पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ गई। इधर अहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूर कर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या है अपने आप को, किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? अहान अपना सिर झुकाए सुनता रहा, फिर शनाया रोंदे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य अहान को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे?
तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे रहते तू तो क्या, कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओह, लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले, चल जाएगा। इतना कहकर अहान आगे बढ़ गया। जल्द ही अहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पार्टी रखी है, तुम अहान के साथ आ जाना। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने एक काम दिया था अहान को, वो भी नहीं किया इसने। आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़े जा रहा है ये। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए शौर्य अहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंचे आवाज में कहा, अरे अहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहाँ मौजूद आसपास खड़े कई लोग अहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहाँ पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है। आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ? आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शकुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहाँ कोने में शनाया किसी और के साथ है। शगुन और अहान ने उस तरफ देखा जहाँ शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो अहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास अहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी अहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। ओ कम ऑन अहान, इतनी बड़ी पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने जबरदस्ती वो ड्रिंक अहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी अहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास अहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओहो, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। अहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे अहान की एक ना चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान अहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर अहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सबके बारे में बताएंगे। क्यों जीजा जी, बताएंगे ना? अहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसलिए तुमने और शगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। अहान ने नशे में ऐसा क्या कहा जो शौर्य और शगुन के साथ साथ उनकी फैमिली वालों के होश उड़ गए? क्या शौर्य और शगुन अहान और उसकी पत्नी शनाया के बीच तलाक कराना चाहते हैं? अहान शहर का सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद भी क्यों एक गरीब फटीचर की तरह रहता है? क्या होगा जब सबको अहान की असलियत का पता चलेगा? शनाया ने किस मजबूरी में आकर एक गरीब फटीचर अहान से शादी की? क्यों अहान इतनी बेइज्जती सहकर भी शनाया से इतना प्यार करता है? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और हिंदी ऑडियो सीरीज में सुनिए दुनिया भर में सुनी जाने वाली ये जबरदस्त कहानी, सीक्रेट अमीरजादा।